चुकी आपको की फिक्र, तो मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर। चांद की पीठ पर दाग है या नहीं आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन ईटीवी दिखाएगा चंद्रयान से आई लाइव तस्वीरें। धर्मशाला कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर धर चांद पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या है रहस्य, देखिए इस रिपोर्ट में। हमने अक्सर चांद में दाग की बातें सुनी हैं, लेकिन धर्मशाला कॉलेज के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील धर ने इन बातों को पूरी तरह झुठला दिया है और इसका आधार उन्होंने चंद्रयान तथ्यों को बताया है। डॉक्टर सुनील धर को चंद्रयान से जो डेटा मिला है उसके मुताबिक चंद्रमा की पिछली सतह में दाग नहीं है। ये सतह दिखाई नहीं देती है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की रोटेशन एक जैसी है, साथ ही इनकी गति भी एक बराबर है। ऐसा है कि चांद जो हमको पृथ्वी से चांद जो दिखता है हमें उसे फ्रंट साइड दिखता है, उसकी जो बैक साइड है जो रियर व्यू है चांद का वो हमें दिखता नहीं है। फ्रंट साइड में क्योंकि ज्वालामुखी पत्थर या इग्नियस रॉक्स जो है मून के वो फ्रंट साइड पे ही है मून के ज़्यादा, तो इसलिए हमको वो काले धब्बे से दिखते हैं। बैक साइड जो मून का है उसमें इग्नियस एक्टिविटी या ज्वालामुखी के पत्थर जो है वो हमें मिलते नहीं है, तो इसलिए बैक साइड में दिखती नहीं है, फ्रंट साइड ही दिखता है हमको, तो इसलिए वो काले से जो आप हमको जो धब्बे से दिखते हैं मून पे वो बेसिकली इग्नियस एक्टिविटी बसाल्ट हैं, वो लूनर बसाल्ट जिनको हम कहते हैं। चांद की अगली सतह पर इग्नियस एक्टिविटी अधिक, पिछली पर कम। चांद पर उल्फा पिंडों और ज्वालामुखी के कारण गहरे गड्ढे, चांद की पिछली सतह पर गहरे गड्ढे कम, कम गड्ढे की वजह से दाग दिखते हैं कम। धर्मशाला कॉलेज में चांद के ओरिएंटल बायसन और मून्स ब्रह्मकस दो हिस्से पर शोध किया जा रहा है। इसके लिए चंद्रयान से करीब 90% डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। इस डेटा के आधार पर एक सप्ताह के अंदर शोध शुरू हो जाएगा। ईटीवी न्यूज के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये अहम बात है जो चांद से संबंधित है, क्यों नहीं है चांद की पिछली सतह पर दाग। अब सवाल ये उठता है चांद की अगली सतह पर इग्नियस एक्टिविटी अधिक है ये कहा जा रहा है, पिछली पर कम। चांद पर उल्का पिंडू और ज्वालामुखी के कारण गहरे गड्ढे पड़े हैं, चांद की पिछली सतह गहरे गड्ढे यहाँ कम है, कम गड्ढे की वजह से दाग कम दिखते हैं ये शोध में पता चला है। तो ये चांद पर जो रिसर्च किया जा रहा है उसमें ये अहम बातें सामने आई हैं और चांद से संबंधित क्या कुछ जानकारी सामने आई है। बात करते हैं, हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील धर, वैज्ञानिक धर्मशाला कॉलेज के। सुनील धर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि आपने जिस तरह से ये शोध किया है, चांद पर जो रिसर्च कर रहे हैं इसरो भी आपका लोहा मान रही है। सुनील धर जी, ये बताइए कि चांद की रिसर्च के दौरान क्या कुछ पाया है आपने? देखिए जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये इसरो से स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धर्मशाला के ज्वालॉजी डिपार्टमेंट को मिला हुआ है और इस पे हम चांद की जो बाहरी सतह है, क्रस्ट जिसको हम कहते हैं लूनर क्रस्ट, उस पे उसकी मैपिंग करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग करेंगे। और नंबर दो, जो चांद की जो चट्टाने हैं उनकी जो केमिस्ट्री है उस पे शोध होगा। मेन ऑब्जेक्टिव हमारी रिसर्च की यही रहेंगे जी। सुरेश जी, अभी फिलहाल क्या कुछ सामने आया है? जैसा कि बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि पिछले हिस्से में दाग नहीं है, तो क्या हम ये माने कि चांद बेदाग है? ऐसा है कि चांद का जो हमारा एक सामने वाला हिस्सा ही हमको पृथ्वी से दिखता है। उसका रीजन ये है कि चांद और अर्थ की जो रोटेशन है, दैट इज सिंक्रोनस, सेम रेट ऑफ रोटेशन स्पीड जो है चांद की और अर्थ की है। इसके कारण हमें एक फोर व्यू ही, फ्रंट व्यू ही चांद का हमेशा नजर आता है। और जो फोर व्यू है, जो फ्रंट व्यू है चांद का, उसमें यूजुअली हमको ब्लैक स्पॉट्स जो दिखते हैं वो बेसिक इग्नियस रॉक्स के हैं, फ्लड बसाल्ट्स के हैं। और जो बैक साइड है चांद की, उसमें मैग्मेटिज्म, फ्लड मैग्मेटिज्म, बसाल्ट मैग्मेटिज्म की जो है वो हमें दिखता नहीं है यूजुअली, क्योंकि सामने वाला ही पोर्शन हमें दिखता है, इसलिए हमको जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो चांद की फ्रंट साइड पे ही दिखते हैं, बैक साइड पे नहीं दिखते हैं, क्योंकि बैक साइड में फ्लड मैग्मेटिज्म या इग्नियस एक्टिविटी जो है चांद में नजर नहीं आई हुई है।
सुनील जी, अभी आगे अगर बात की जाए शोध की, तो आगे किन चीजों पर अभी आप लोग काम करने वाले हैं, किन चीजों पर फोकस किया जाएगा और कैसे शोध को आगे बढ़ाया जाएगा? हमने चांद के दो एरियाज को सिलेक्ट किया हुआ जी, एक तो ओरिएंटल बेसन और मून रमकर। मून रमकर जो है वो करीब वो नॉर्दर्न साइड ऑफ मून, वहां का एक एरिया है, और जो रमकर है साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ मून में है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है काम का, वो ये है कि हमने चंद्रमा की जो क्रस्ट है इन रीजन्स में हमने लूनर जियोमॉर्फोलॉजी पे शोध करना है जी। बेसिकली पर्वत श्रृंखलाएं मून जो चंद्रमा पे हमें दिखती हैं, उस रीजन में जो हमने सिलेक्ट किया है काम करने के लिए, या तो कुछ दबे हुए सबसाइड एरियाज या क्रेटर रीजन्स, उनकी हमें मैपिंग करनी है। एंड उसके बाद जो चट्टाने हैं, चट्टानों की केमिस्ट्री भी हमने करनी है। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त सॉफ्टवेयर वगैरह हमने हासिल किए हुए हैं, और इस पर शीघ्र ही हम मैपिंग का काम पहले शुरू करेंगे। उसके बाद हमने जो चट्टाने हैं, रॉक्स जो है, उनकी केमिस्ट्री का भी काम शुरू होगा। चलिए सुनील धर जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो शोध आप कर रहे हैं इसमें कामयाबी मिले और धर्मशाला के साथ ही पूरे हिमाचल का दुनिया में नाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे सुनील धर, वैज्ञानिक धर्मशाला।